थान खमरिया थाना क्षेत्र के दो युवकों पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। चार पहिया वाहन चालक ने युवकों को ठोकर मारने के बाद रिवर्स कर कुचलने का प्रयास किया। घटना के बाद उसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले को ग्रामीणों ने सिटी कोतवाली पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। अपने गांव लौट रहे दो युवकों को बोलेरो चालक ने ठोकर मारकर गिरा दिया। उसके बाद जान से मारने कुचलने की कोशिश की। थाना घेराव के बाद भी बोलेरो चालक को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुलिस शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। नाराज ग्रामीणों ने एडिशनल एसपी से शिकायत की है कि आरोपी उधम सिंह राजपूत पुलिस गिरफ्त से बाहर है। हम लोग बंटी सेठ की दुकान से कीटनाशक दवाई लेके आ रहे थे, तो उधम सिंह राजपूत हम लोग को देख लिया वहाँ श्याम हार्डवेयर के पास, तो हमारा पीछा करने लग गया वो, और वो आया टिप्पणी से, जैसे ही निकला हम लोग को ठोक दिया। मैं और दुर्गेश साहू साथ में थे, जिसके कारण मेरे सिर में उसका स्कॉर्पियो चला है और हाथ में और पैर में भी दो बार मेरे को टक्कर दिया रिवर्स मार के। वो जानबूझ के मारे सर, मैं तो अपना कंप्लेंट भी कर लिया था कि मेरे को बहुत धमकी देता था वो, और हम मैं जैसे खेत जाता था तो चाकू पकड़ के पीछे पीछे दौड़ता था। आज यहाँ पर कुछ लोग यहाँ खमरिया क्षेत्र के गाड़ाघाट गाँव से कुछ लोग आए थे, उन्होंने यहाँ पर कार्यालय में शिकायत दिया है कि इनके कुछ रिश्तेदार जो है बाइक में जा रहे थे वहाँ पर टिप्पणी गांव के पास, उसी समय एक तेज रफ्तार से एक स्कॉर्पियो से एक व्यक्ति जो है इनको पीछे से ठोककर काफ़ी गंभीर चोट पहुँचाया है, और इनके शिकायत के आधार पर थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि इसमें ये मामले गंभीरता देखते हुए इसमें अपना प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई करें।